नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infinix Note 10 वर्सेस Tecno Camon 17 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Infinix Note 10 में 6.82 इंच जबकि Camon 17 में 6.48 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Infinix Note 10 से कम है। विड्थ की बात करें तो Infinix Note 10 में 3.1 इंच जबकि Camon 17 में 3.01 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Infinix Note 10 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Infinix Note 10 में 0.35 इंच जबकि Camon 17 में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो Infinix Note 10 में 205.5 ग्राम्स जबकि Camon 17 में 202 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Infinix Note 10 में 20:5:9 जबकि Camon 17 में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Infinix Note 10 में 6.95 इंचेस जबकि Camon 17 में 6.8 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Infinix Note 10 में 84.28% जबकि Camon 17 में 87.39% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Infinix Note 10 में 387 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Camon 17 में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Infinix Note 10 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Camon 17 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Infinix Note 10 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Camon 17 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G52MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट दोनों फोन में सेम ही MediaTek Helio G85 मिलता है। बात करें RAM की तो Infinix Note 10 में 4GB जबकि Camon 17 में 6GB मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Infinix Note 10 में 64GB जबकि Camon 17 में 128GB मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Infinix Note 10 में अप टू 256GB जबकि Camon 17 में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Infinix Note 10 की 10,999 रुपीस जबकि Camon 17 की 12,999 रुपीस प्राइस है, जो कि Infinix Note 10 से ज्यादा है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Camon 17 आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में Camon 17 आगे है। इंटरनल मेमोरी में Camon 17 आगे है।
दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें थे जो कि 14,590 रुपए में मिलता है, दूसरा है जो कि 14,990 रुपए में मिलता है, तीसरा Vivo Y73 2021 है जो कि 20,990 रुपए में मिलता है, और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें है जो कि 13,090 रुपीज में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।